Yes, dear student, welcome here again on my channel, जानकारी हित, myself हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर आपके साथ इस चैनल पर आपके साथ जैसे वादा किया था मैंने वीडियो नंबर 822 EH में कि सेकंड पार्ट आएगा लेजर का। आज वो सेकंड पार्ट है लेजर से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ जनरल इन लेजर पोस्टिंग एंड द बैलेंसिंग ऑफ लेजर पोस्टिंग। और बात करते करते हम एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लेट्स मूव अहेड विद मी विद टुडेज कंटेंट ऑफ लेजर पोस्टिंग, रादर इट्स कंप्लीट लेजर पोस्ट। यस योर स्टूडेंट, फटाफट एक बात करते हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में डिटेल में बताया है लेजर क्या है, परफॉर्मा क्या है, पोस्टिंग कैसे करते हैं, ओपनिंग जनरल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है, ये सारा मैंने बताया इससे पहले की वीडियो में, आप उसको जरूर देखें। फिर भी जल्दी से, लेजर क्या है? लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंटिंग। इट कॉन्टेन्स रिकॉर्ड ऑफ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब समझते हैं अभी, मतलब क्या है? लेजर चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स है। इसमें बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस जो हम जर्नल में जैसे देखते हैं, उसमें जितने भी अकाउंट आते हैं, हर अकाउंट को उससे रिलेटेड हेड वाले अकाउंट में अपना स्थान मिलता है। हर अकाउंट क्लासिफाइड हो जाता है, वर्गीकृत हो जाता है। कैश अकाउंट, कैश के बारे में जो पोजीशन जाननी है कैश अकाउंट से पता चलेगी, परचेज अकाउंट से बिजनेस की टोटल परचेज का पता चलेगा, सेल अकाउंट से सेल की पोजीशन पता चलेगी, बैंक अकाउंट से बैंक की, रेंट से रेंट की, मशीनरी अकाउंट से मशीनरी की। हर एक टाइप की ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान एक ही जगह पर कंबाइंड हो जाती है अंडर लेजर अकाउंट्स। समझ लगी मेरी बात? लेजर का परफॉर्मा क्या है तुम जानते हो, मैंने पहले की वीडियो में डिटेल से बताया, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो कंटेंट क्लियर नहीं है इससे पहले की वीडियो जरूर देखें प्लीज। और जैसे वादा किया, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। नेम ऑफ द लेजर अकाउंट सबसे पहले परफॉर्म की अंडर यहां पर उस अकाउंट का नाम आएगा, कैश बैंक जो भी अकाउंट बनाना है। फिर आपको पता है जब लेजर बनाते हैं उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट साइड, जो राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। डेबिट साइड में भी चार कॉलम होते हैं, क्रेडिट में भी चार, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। डेट में ट्रांजेक्शन की डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर्स में जो डिस्क्रिप्शन है ट्रांजेक्शन का वो लिखा जाता है, कि जो ऊपर नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, जो भी लेजर अकाउंट है उस अकाउंट पर दूसरे कौन से अकाउंट का इफेक्ट पड़ा, उस अकाउंट का नाम हम पर्टिकुलर में लिखते हैं, अमाउंट वाले में अमाउंट, इसी तरह से क्रेडिट साइड पर। क्लियर स्टूडेंट? यस। नेक्स्ट वन, इसका प्रोसीजर क्या है आपको पता है कि जब स्पेसिमन ऑफ द लेजर जो मैंने दिखाया था पहले भी, एक बात साफ है कि यहां पर अकाउंट का नाम आएगा। डेबिट साइड में जो भी हम शो करेंगे वो टू के साथ, क्रेडिट साइड में बाय के साथ। दैट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन परंपराएं होती हैं भी, ये नियम नहीं है। एक सेपरेट आइडेंटिटी देने के लिए टू और बाय लिखने की एक परंपरा चली आ रही है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, आजकल ऑनलाइन कंप्यूटिंग में जब हम बात करते हैं वहां से टू और बाय गायब हो चुके हैं। जब डेबिट और क्रेडिट ही लिखा है तो साफ पता चलता है डेबिट है या क्रेडिट। इज इट क्लियर? अगर आने वाली टाइम में जब बुक्स प्रिंट होंगी कुछ ही सालों में, आप देखना उसमें से टू और बाय गायब हो जाएंगे, पर उससे कोई मैटर नहीं करता। बेसिक सिद्धांत वही के वही है, ये ध्यान रखना। पर हमारी बुक्स में है, आपके लिए थोड़ी दुविधा कम हो जाए, कहीं उलझन में ना फंस जाओ, इसलिए मैंने बाय और टू के साथ ही दिखाया है। यस डियर स्टूडेंट, मैंने जैसे हमने कहा था कि आज एक कंप्लीट एग्जांपल लेकर हम टोटल जर्नल, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग, उसकी बैलेंसिंग सीखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। मेक जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये है सारी ट्रांजैक्शंस जो मैं आगे भी जब हम इसको करेंगे वहां पर दिखाऊंगा ट्रांजेक्शन कौन सी है। एक बार पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाए। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000, परचेज मशीनरी 27,000, परचेज गुड्स फॉर कैश, पेड रेंट एंड लास्ट वन इज द सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 7,000 टू अशोक गांगुली। साफ है भी, बिजनेस शुरू किया, कैपिटल आई, कैपिटल के रूप में कैश आ गया, मशीनरी परचेज की है कैश गया मशीनरी आ गई, गुड्स परचेज की है कैश, गुड्स मतलब परचेज डेबिट होगी कैश चला गया, रेंट पे किया रेंट बिजनेस का एक्सपेंसिस होगा कैश चला गया,
अब सेल हुई है दो तरह की, कैश सेल भी है, क्रेडिट भी, और किसको किया क्रेडिट, अशोक गांगुली को। ये ध्यान रखना मेरी बात। ये ट्रांजेक्शन लेकर हम चलते हैं आज का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं लेजर और जर्नल के। एक बात और डियर स्टूडेंट, लेजर में जब हम कुछ लिखते हैं दैट इज एंट्री एज ए जर्नल एंट्रीज, और जब लेजर में जो लिखा जाता है उस प्रोसीजर को हम कहते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग यस। पहले जर्नल एंट्रीज देखते हैं। पहली ट्रांजेक्शन ये साइट पर देखो, मैंने फिर से वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर शो की है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। कैश अकाउंट है अभी टू कैपिटल अकाउंट, आपको जर्नल आता होगा। अगर नहीं तो मेरे इस चैनल पर कम से कम 8-9 वीडियो सिर्फ जर्नल एंट्रीज की हैं, आप उनको देखिए। कंप्लीट जर्नल का एक पैकेज है मेरे इस चैनल पर डिफरेंट वीडियोस में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश आ गया। कैपिटल एज अ पर्सनल अकाउंट हमें पता है, बिजनेस का जो ओनर होता है उसका अकाउंट है ये, तो कैपिटल अकाउंट इज अ गिवर। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिजनेस कमेंस विद कैश। मशीनरी परचेज सेकेंड है 7 जुलाई की एंट्री, मशीनरी परचेज की है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कम्स इन, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। समझ लगा? मैं जानता हूं यू आर सो इंटेलिजेंट, आपको जर्नल एंट्री तो आती ही होंगी क्योंकि वो सीखनी बड़ी जरूरी है। ये जो जर्नल एंट्रीज होती हैं इसमें प्रॉपर प्रिंसिपल्स हमें देखने पड़ते हैं, जबकि लेजर पोस्टिंग तो एक टेक्निक है सिर्फ, इसमें प्रिंसिपल्स नहीं है, सिर्फ एक टेक्निक है। 12 जुलाई की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश 12,000, गुड्स परचेज की है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? लास्ट गुड्स सेल की थी 10,000 की कैश, 7,000 की क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, अशोक गांगुली अकाउंट डेबिट टू सेल। 10,000 की कैश सेल, 7,000 के साथ अशोक गांगुली बिजनेस का डेटर बन गया, और टोटल सेल कितनी होगी? 17,000 की। जैसे ही मान लो ये पेज भरा हमारी लेजर की बुक का, तो इसका टोटल लगा दिया नीचे 1,10,000। 1,10,000 यहां पर देखो डियर स्टूडेंट, साफ दिख रहा है डबल एंट्री सिस्टम, जितना हमने डेबिट किया उतना ही क्रेडिट। ओके, दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। अब असली चीज सीखने वाली है, जर्नल एंट्रीज हो गई हैं, जो इस आज की वीडियो का मकसद है वो है लेजर पोस्टिंग। आओ देखते हैं लेजर पोस्टिंग कैसे। यस स्टूडेंट, आपकी सुविधा के लिए मैंने वो सारी जर्नल एंट्री यहां पर दोबारा से लिखी है। हमें ध्यान रखना होगा इन एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स जो दिमाग में रखने हैं। जर्नल एंट्री को देखो, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के कारण जो हो रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री थी, यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट। तो हम दो लेजर अकाउंट बना देंगे भी, एक कैश अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट। अब इसमें पोस्टिंग कैसे करते हैं, परफॉर्म आपको पता है। कैश अकाउंट को डेबिट किया गया तो साफ है, सबसे पहले जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते ध्यान रखो एक साइड पकड़ लो पहले फिर दूसरी, मतलब एक डेबिट अकाउंट कौन से हैं पहले उनकी पोस्टिंग करो फिर क्रेडिट वालों की। सबसे पहले कैश को देखो डेबिट किया गया तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर किसका इफेक्ट है वो हमें क्रेडिट से पता चलेगा। कैश पर इफेक्ट किसका पड़ा है? कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल के कारण ही तो कैश आया। तो डेबिट साइड पे, क्योंकि कैश अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखा गया है, कैपिटल का इफेक्ट दिखा दिया टू कैपिटल अकाउंट 50,000। डेबिट साइड आपको मैंने बताया टू के साथ लिखते हैं कोई भी पोस्टिंग, और क्रेडिट साइड पे बाय के साथ। अब बारी आ गई कैपिटल की। जर्नल एंट्री से साफ पता चल रहा है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 1 जुलाई को कैपिटल इंपैक्ट पर इंपैक्ट किसका है? कैश का। जो डेबिट अकाउंट होता है उस पर क्रेडिट का असर होता है, जो क्रेडिट होता है उस पर डेबिट का। ये ध्यान रखना होगा, कैपिटल क्रेडिट था तो हम साइड डिसाइड करेंगे कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगी, और कौन सा अकाउंट आएगा जिसको डेबिट हुआ है जो कैपिटल के कारण, वो कौन सा है? कैश। तो हमने यहां पर बाय कैश अकाउंट लिख दिया। क्रेडिट साइड पे हमेशा बाय के साथ पोस्टिंग होती है, ये ध्यान रखना होगा, तो हम करने वाले हैं ऐसा। नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब डियर स्टूडेंट, एक नया अकाउंट आ गया ध्यान से इस जर्नल एंट्री में, मशीनरी अकाउंट। तो हमने एक नया अकाउंट बना दिया मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को क्या किया गया? डेबिट। तो डेबिट साइड पर इंपैक्ट किसका है? क्रेडिट वाले अकाउंट को देखो कौन सा है वो? कैश। तो यहां पर लिख दिया टू कैश 7 जुलाई 27,000। दूसरा अकाउंट कौन सा है इस जर्नल एंट्री में जिस पर असर हुआ है? वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अब दोबारा नहीं बनेगा, एक बार बन चुका है।
कैश या किसी भी अकाउंट की जब दोबारा ट्रांजेक्शन आती है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, तो सेम अकाउंट में लिखते हैं, समझ आई बात। तो कैश की ट्रांजेक्शन यहां पर आएगी, कैश को क्या किया गया क्रेडिट, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर डेबिट कौन सा था, मशीनरी बाय मशीनरी अकाउंट। ओके नेक्स्ट वन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो थर्ड एंट्री है, एक नया अकाउंट परचेज अकाउंट बना दिया अभी हमने, टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट को डेबिट किया तो डेबिट साइड पर, और क्रेडिट किसको किया परचेज के कारण, कैश को, टू कैश अकाउंट 12,000। सिमिलरली कैश अकाउंट देखो इस एंट्री का, उसको क्रेडिट किया गया, तो वही जो क्रेडिट कैश अकाउंट चल रहा था उसकी क्रेडिट साइड पर इंपैक्ट किसका कैश पर इस ट्रांजेक्शन में, परचेज का बाय परचेज अकाउंट 12,000। ये सारी की सारी जो तीन जर्नल एंट्री है हमने इनकी पोस्टिंग कर दी। आप देख रहे होंगे दो एंट्रीज और हैं, कैश अकाउंट में कुछ और भी दिख रहा है, थोड़ा धीरज रखो, अगली स्लाइड में दिखाते हैं इसको। दो जो एंट्रीज रह गई हैं, एक तो रेंट टू कैश, एक कैश अशोक गंगोली टू सेल, ये हम आगे बढ़ते हैं तब पता चलेगा। यस यूर स्टूडेंट, वो दो जो एंट्री रह गई थी कैश रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट जो मैंने पीछे बनाया था उसको दोबारा दिखा दिया ताकि देखने में सुविधा रहे, उसमें कुछ पोस्टिंग पहले हो चुकी है। अब नया अकाउंट कौन सा बना, रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट पहले किसी ट्रांजेक्शन में नहीं आया था तो हमने रेंट अकाउंट बना दिया, लेजर अकाउंट, रेंट को डेबिट किया तो डेबिट साइड पर, क्रेडिट वाला कौन सा अकाउंट है जो रेंट को इंपैक्ट कर रहा है, वो है कैश, टू कैश अकाउंट। अब कैश की बारी आ गई, टू कैश अकाउंट, सेकेंड अकाउंट कौन सा जो इस ट्रांजेक्शन में, वो कैश, कैश को क्या किया गया क्रेडिट, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय रेंट, क्योंकि कैश पे रेंट का इंपैक्ट है, रेंट पे कैश का इंपैक्ट है, इट शुड बी क्लियर। यस डियर स्टूडेंट, लास्ट वन देखो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट अशोक गांगुली अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि दो तरह की सेल थी, 10,000 की उसने कैश की थी सेल और 7,000 की अशोक गांगुली को क्रेडिट सेल थी, तो जनरल एंट्री बन गई, अशोक गांगुली बिजनेस का डेटर बन गया, सेल क्रेडिट हो रही है क्योंकि गुड्स जा रही है बिजनेस से। ओके, वो आपको आती है, मैं ये मान के चल रहा हूं जनरल एंट्रीज आपको आती है। तो पोस्टिंग तीन अकाउंट है अभी इसमें, ये कंपाउंड एंट्री होती है, जिस अकाउंट में, जिस अकाउंटिंग में ध्यान रखना, जिस भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में तीन साथ तीन या तीन से ज्यादा अकाउंट एक ही ट्रांजेक्शन में इंपैक्ट होते हैं उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, ज्वाइंट एंट्री, कंपाउंड एंट्री। तो तीन अकाउंट है भाई, पहले कैश को पकड़ो क्योंकि एंट्री में सबसे पहले कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है। ओके, क्रेडिट कौन सा है, सेल, डेबिट पर किसका इंपैक्ट पड़ता है, क्रेडिट वाले का, क्रेडिट पर किसका असर पड़ता है, डेबिट वाले का। तो हमने क्या किया, 20 जुलाई को यहां पर टू सेल, अब थोड़ा बच्चे थोड़ा आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेल तो 17,000 की है जर्नल एंट्री में, पर 10,000 क्यों। यस डियर स्टूडेंट, यू आर टोटली राइट, देखने में तो ऐसे ही लगता है पर ऐसा नहीं है, हमने ये देखना है कि ये अकाउंट कौन सा है जिसमें हम पोस्टिंग कर रहे हैं, वो कैश, कैश का इंपैक्ट सेल पर सिर्फ 10,000 का, ये देखो एंट्री से पता चल रहा है, तो हम लिखेंगे सेल पर इसमें दिखाएंगे कैश का इंपैक्ट कितना है सेल में, 10,000, क्योंकि हमें पता है 7,000 की जो सेल थी वो क्रेडिट थी। नेक्स्ट, अशोक गांगुली अकाउंट डेबिट किया हमने, अशोक गांगुली के अकाउंट को डेबिट किया तो अशोक गांगुली अकाउंट बनाया डेबिट साइड पर, यहां भी सेल, तो यहां भी वही प्रॉब्लम, अशोक गांगुली ने सेल पे जो इंपैक्ट किया है वो 7,000 का, तो अमाउंट यहां पर 7,000 ही आएगा, ये ध्यान रखना। जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं ना उस अकाउंट का इंपैक्ट दिखाते हैं एज ए अमाउंट। ओके, तो अशोक गांगुली अकाउंट है, सेल को हमने क्रेडिट किया है, डेबिट साइड पे हमने लिखा टू सेल। ओके, अशोक गांगुली को डेबिट किया था, डेबिट साइड पे आया टू सेल, पर सेल पर अशोक गांगुली का असर कितना है, क्योंकि ये अशोक गांगुली है तो यहां पर 7,000। यस, नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया, साफ पता लग रहा है जनरल एंट्री से, पर सेल पर दो डेबिट अकाउंट है जो असर डाल रहे हैं, तो दोनों लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय अशोक गांगुली, कैश 10,000 था, अशोक गांगुली 7,000, टोटल 17,000। अब बात आ गई, ये सब करने के बाद इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं भाई, मैं ऊपर देखो कैश अकाउंट इससे दिखाता हूं आपको बैलेंसिंग करते कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे रफ्स,
किसी नोटबुक में, वर्किंग नोट बनाएंगे, वहां पर हम इसको लिख लेंगे कितना आ गया 50 + 10 60,000, ज्यादा होंगे तो ज्यादा आएंगे। तो क्रेडिट साइड की पोस्टिंग देखो, मशीनरी परचेज और रेंट तीनों ही है, तीनों का जो टोटल आ रहा है वो है भाई ध्यान से 43,000, 43,000। अब क्या करेंगे, रफ काम में जो डेबिट साइड का टोटल 60,000 था उसमें से 43,000 माइनस किए तो डियर स्टूडेंट कितना आ गया, साफ दिख रहा है ये 17,000। ज्यादा कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो ये जो 17,000 बैलेंस है इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, लिखेंगे क्रेडिट साइड ताकि बैलेंसिंग बना सकें, दोनों साइड का टोटल नीचे मिला सकें। पर ये है कौन सा डेबिट बैलेंस, कहां से पता चलता है कि ये डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है? जिस साइड का भी टोटल ज्यादा हो और जितना ज्यादा हो उतना वो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और 17,000 ज्यादा है तो 17,000 डेबिट बैलेंस बन गया कैश का, और लिखेंगे कहां, क्रेडिट पर, क्योंकि दोनों अकाउंट्स को हमने, अकाउंट की दोनों साइड्स को हमने इक्विलिब्रियम करना है, बराबर करना है, संतुलन में लेके आना है, तभी तो इसको बैलेंसिंग कहते हैं, बैलेंसिंग, बैलेंस्ड करना है दोनों साइड्स को, अगर नहीं हो रहा तो ऐसे बैलेंस डाल देंगे। क्लियर। अब 31 जुलाई खत्म, अब बिजनेस तो नहीं खत्म होता, बिजनेस तो लगातार चलता है, अगला महीना अगस्त आ गया, फर्स्ट डेट को सेम बैलेंस, ध्यान से देखो आगे ये था बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन का मतलब इस बैलेंस को हम आगे लेके जाना है क्योंकि बिजनेस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो आगे ले आए भाई, कैसे लेके आए, टू बैलेंस ब्राउट डाउन, बिजनेस के उस बैलेंस को हम आगे लेकर आए जो बिजनेस में कैश का बैलेंस था 17,000। ये डेबिट बैलेंस है, जब भी किसी बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं वो उसी साइड पर होता है जो वो एक्चुअल बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। जब हमने बैलेंसिंग करनी होती है तो वो डिफरेंस का अमाउंट अपोजिट साइड में आता है, डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे तभी तो बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे बैलेंसिंग करने के लिए। बट जब ब्रॉट डाउन करते हैं तो वो एग्जैक्टली अपनी उसी साइड पर आ जाता है जो वो एक्चुअल बैलेंस है, जैसे कैश का डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड पे हमने ब्रॉट डाउन कर दिया, जो बैलेंस कैरी डाउन करना था वो आगे ब्रॉट डाउन हो गया नेक्स्ट डेट को, क्योंकि नया पीरियड शुरू हो गया 1 अगस्त से, नया महीना। नेक्स्ट वन, इसी तरह से डियर स्टूडेंट हम हर अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं। रेंट अकाउंट का देखो ध्यान से, हम रेंट, अशोक गांगुली, सेल, सारे अकाउंट के बैलेंसिंग ऐसी करते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कैश का मैंने आपको समझा दिया, ओके डेबिट बैलेंस है ये 17,000 आ गया। अब कैपिटल की बारी है, कैपिटल में देखो क्रेडिट साइड पे 50,000 है, डेबिट साइड पे कुछ ही नहीं, तो सारा का सारा ये बैलेंस आएगा ताकि दोनों साइड्स बराबर हो सके। टू बैलेंस कैरी डाउन, यहां लिखा ये वाला बैलेंस डाला और दोनों साइड का टोटल 50,000 बराबर, लाइन लगाई, अकाउंट बंद जुलाई का, पर 1 अगस्त को ये अकाउंट कंटिन्यू होगा, सेम बैलेंस हम इसको क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन, ये जो 50,000 था ये ब्रॉट डाउन हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन का मतलब बैलेंस को आगे लेकर जाओ, ब्रॉट डाउन का मतलब बैलेंस को आगे लेकर आए, कहां से लेके आए, 31 जुलाई से। ऐसी अब कोई पूछ ले भी ये बैलेंस कौन सा है, तो साफ दिख रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, ये क्रेडिट बैलेंस है, और लास्ट में जब ब्रॉट डाउन किया वो क्रेडिट साइड पर पहुंच गया। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में देखिए डेबिट साइड में टू कैश कितना है, 27,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा बैलेंस ताकि दोनों साइड का टोटल 27,000 हो सके, 27,000 तो दोनों साइड का टोटल 27,000 हो गया। सेम बैलेंस, अब ये डेबिट बैलेंस है, 1 अगस्त को ब्रॉट डाउन किया एज ए डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो कैरी डाउन था वो हमने ब्रॉट डाउन मतलब आगे ले आए भी, 31 जुलाई को कह रहे हैं बैलेंस आगे लेकर जाओ और 1 अगस्त को कह रहे हैं कि हम ले आए बैलेंस आगे। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, मशीनरी को क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं है मशीनरी तो बिजनेस में है तो उसका जितना बैलेंस है वो कंटिन्यू रहेगा, सिमिलरली है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में 12,000 तो सारा बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड पे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, अगर होती तो डिफरेंस निकालते, बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,000, ये सेम बैलेंस ये भी डेबिट है, इसको हमने ब्रॉट डाउन किया डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिमिलरली ये जो ऊपर अकाउंट दिख रहा है नाम नहीं है, ये रेंट अकाउंट है, बेसिकली ध्यान रखना रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट में भी सेम पोजीशन है, डेबिट साइड पे टू कैश, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा 4 का 4,000 क्या हो गया,
बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, सेम बैलेंस 1 अगस्त को हमने ब्रॉट डाउन किया टू बैलेंस, सीडी नहीं है यहाँ गलत प्रिंट है दैट इज ब्रॉट डाउन, सेम बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन किया 4000, डेबिट बैलेंस है ये। ओके अशोक गंगुली अकाउंट की बारी आ गई भी। अशोक गंगुली में देखो डेबिट साइड पे है टू सेल अकाउंट, क्रेडिट में कुछ भी नहीं तो सारा बैलेंस बन गया, ताकि दोनों साइड में 7000 लगाकर हम अकाउंट को क्लोज कर सकें, इसी को तो बैलेंसिंग कहते हैं। तो बैलेंसिंग की हमने, बैलेंस कितना बचा 7000 यहां पे लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन और दोनों साइड का टोटल बराबर, और 1 अगस्त को सेम बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन किया। जो ऊपर क्रेडिट साइड पे होता है वो डेबिट पे आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअली ये डेबिट बैलेंस है अशोक गांगुली के अकाउंट में, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। वो जो ऊपर कैरी डाउन लिखते हैं ना अपोजिट साइड में, वो दोनों का संतुलन बनाने के लिए है, बार बार कह रहा हूं इस बात को ध्यान रखो। सेल्स अकाउंट की बारी आ गई स्टूडेंट, सेल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय कैश बाय अशोक गांगुली, तो 17000 इज कुछ भी नहीं है, सारा बैलेंस हो गया, वही बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। जैसे डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि किस अकाउंट में ये कौन सा बैलेंस है, तो कैश अकाउंट को जब हमने देखा कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, साफ दिख रहा है ये हमें, और फिर मशीनरी अकाउंट का कौन सा बैलेंस है 27000, इस अकाउंट से चेक करिए डेबिट बैलेंस है, परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस है डेबिट साइड पे आ रहा है जब ब्रॉट डाउन किया, रेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है यहां भी जब ब्रॉट डाउन किया डेबिट, या यहां से जज करो, देखो बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट उसको जज करते हैं या तो कैरी डाउन से या ब्रॉट डाउन से। कैरी डाउन में जिस साइड पे लिखा होता है उससे अपोजिट बैलेंस कहलाता है, वो बैलेंसिंग के लिए लिखा जाता है। ब्रॉट डाउन में एक्चुअल जो बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट वहां से पता चल सकता है, कहीं से भी जज कर सकते हो आप। ऐसी अशोक गांगुली का बैलेंस जो अकाउंट का है वो डेबिट है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस जो क्रेडिट है। यस आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इसे कहते हैं किसी भी लेजर अकाउंट की बैलेंस। यस डियर स्टूडेंट आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर, बड़ा इजी कंटेंट है। अगर एक बार अकाउंट में पोस्टिंग करना सीखो, ये डेबिट साइड में कैसे दिखाना है, जर्नल एंट्री से क्रेडिट में कैसे, बैलेंसिंग कैसे करनी है, ये की पॉइंट है, वीडियो के उस हिस्से में जाकर दोबारा देखिए, और अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए अपना कमेंट, मैं आपकी वहां पर भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपकी जानकारी है तो एक बात और बता दूं, इससे नेक्स्ट वीडियो जो A24 के नाम से आने वाली है इसी चैनल पर, वो वीडियो है रिगार्डिंग कैश बुक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।